आलू का फिंगर चिप्स बनाते हैं फ्रेंच फ्राई के लिए। इस टाइप से कोई भी फिंगर चिप्स बनाना होता है फिंगर चिप्स भी काटेंगे वेरी फाइन। ऑनियन चॉप करते घरों में रोना पड़ता, हाथों में आंखों से पानी आता है। इस टाइप से डालेंगे साबुत आलू कैसे भी डाल दो, सब्जी में, सलाद में, करेले में, पकौड़े के लिए। स्मॉल साइज करना, सेकंड बार टर्न करेंगे इस टाइप से। आमलेट के लिए, दाल फ्राई के लिए, तड़के मसाले के लिए, चिकन फ्राई के लिए चॉप करना है, वेरी फाइन चॉप करेंगे। इसमें कोई भी प्याज टमाटर जो भी आपको चॉप करना है, ना टूटेगा, ना फटेगा, ना सड़ेगा, ना गलेगा। लॉन्ग लाइफ, अनब्रेकेबल, होम वॉशेबल, अनब्रेकेबल चिप्स काटिए। सलाद, गाजर, मूली, कोई भी चिप्स बनाते हैं, सिंपल चिप्स निकालना। स्टेप से सिंपल चिप्स निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, लेस बनाएंगे, क्रॉस करके निकालेंगे तो जाली वाला चिप्स निकालेंगे। लेफ्ट राइट करेंगे स्टेप से, जाली वाला चिप्स भी निकालेंगे, वेरी फाइन दिस वन। यहाँ से हरे पत्ते कोई भी साग काटिए, चने का, मेथी का, पालक का, सरसों का, कोई भी साग काटेंगे आप। सलाद काटते गाजर, मूली, ककड़ी, खीरा, कोई भी सलाद काटनी होती है सलाद भी काटेंगे। गोल गोल सलाद कोई भी काट सकते हैं, आलू, प्याज, टमाटर, गाजर, मूली, जो भी स्लाइस करना फर्स्ट क्लास स्लाइस करेंगे दिस वन। जो छिलनी है, गाजर है, मूली है, रिवर्सिबल पीलर होता है, दोनों तरफ चलता है ये। सैलड काटनी है गाजर, मूली, ककड़ी, कोई भी सैलड काटनी होती है कोई भी सैलड काट सकते हैं इसमें आप। जैसे भिंडी काटनी है भिंडी काटेंगे, मिर्ची काटेंगे मिर्ची काटेंगे, बीन्स है, भिंडी है, मिर्ची है, फलियाँ, कुछ भी काट सकते हैं। ये है मिनी जूसर, संतरा, मौसमी हाफ करके रखेंगे, इस टाइप से प्रेस करेंगे, साफ जूस आएगा, छाना नहीं पड़ेगा। नींबू, संतरा, मौसमी, किन्नू, माल्टा, किसी भी फल का जूस निकालेंगे। ये देखिए सर, आलू का फिंगर चिप्स बनाने की मशीन है, बहुत बढ़िया मशीन है। इस टाइप से डालेंगे आलू का फिंगर चिप्स बनाते हैं फ्रेंच फ्राई के लिए। इस टाइप से कोई भी फिंगर चिप्स बनाना होता है फिंगर चिप्स भी काटेंगे, वेरी फाइन। बच्चों के लिए, गेस्टों के लिए, अपने लिए फिंगर चिप्स बनाएंगे, घर में तलेंगे, बाहर खाते हैं, उससे वेस्ट होगा ये आपका। इसी में आपको ऑनियन चॉप करना, ऑनियन चॉप करते घरों में रोना पड़ता, हाथों में आंखों से पानी आता है। इस टाइप से डालेंगे साबुत आलू कैसे भी डाल दो, सब्जी में, सलाद में, करेले में, पकौड़े के लिए। स्मॉल साइज करना, सेकंड बार टर्न करेंगे इस टाइप से। आमलेट के लिए, दाल फ्राई के लिए, तड़के मसाले के लिए, चिकन फ्राई के लिए चॉप करना है, वेरी फाइन चॉप करेंगे। इसमें कोई भी प्याज टमाटर जो भी आपको चॉप करना है। इसी में जैसे आपको काटना हरे पत्ते का साग, जैसे पालक काटना है, मेथी काटना है, सरसों का साग काटना है, कोई भी साग काटना, इसके अंदर भर देंगे। जो भी इसके अंदर डालेंगे हरे पत्ते का साग भी काटेगा, इस टाइप से साग भी काटेगा फर्स्ट क्लास। कोई भी साग काटना है, पालक, मेथी, सरसों, कोई भी साग काटेंगे इस टाइप से। इसी में आपको काटना है टमाटर, टमाटर काटते छुरी चाकू से डैमेज होता है, मिश्री वादे पेस्ट बनता है। इस टाइप से दो बाग कर देंगे, इस टाइप से डाल देंगे, इस टाइप से दाने दाने टमाटर काटेगा, हर पीस में रस होगा, पीस डैमेज नहीं करेगा, फर्स्ट क्लास टमाटर भी काटेगा ये, जितना मर्जी काट दीजिए। इसी में जैसे आपको मिर्ची काटनी है, बीन्स काटनी है, भिंडी काटनी है, जो भी इसके अंदर डाल देंगे कट जाएगी। इस टाइप से दंथर तोड़ देंगे, इस टाइप से डाल देंगे, दो मिर्ची डालो, चार डालो, छह डालो, जो भी आपको चॉप करना फर्स्ट क्लास चॉप करेंगे। ये अनब्रेकेबल है, होम वॉशेबल है, कहीं गिर जाएगा ना टूटेगा ना फटेगा, कहीं भी जैसे पटकना है पटक पटक रहेंगे लेकिन टूटेगा नहीं, ये अनब्रेकेबल होता है, कैसे भी पटकेंगे ना टूटेगा ना फटेगा ना सड़ेगा ना गलेगा। लॉन्ग लाइफ, अनब्रेकेबल, होम वॉशेबल, कोई वर्किंग। जैसे गाजर को यूज करना है, गाजर पर कटिंग करनी है अचार के लिए, सलाद के लिए, सेकंड बार इसको लगा देंगे क्लीन करने के लिए, इसको निकालेंगे, इसको लगा देंगे, ब्लेड को निकालना तो ब्लेड को भी निकाल के साफ करें, बाल्टी में डिप करेंगे, क्लीन करना वह आसान है, सेकंड बार लगा देंगे फिट हो जाएगा। जैसे गाजर अचार के लिए काटनी है, मूली सलाद के लिए काटनी है, अमेरिकन सलाद बनाना है तो गाजर का अचार बनाना, मूली का अचार बनाना, अचार के लिए, सलाद के लिए, वेरी फाइन कटिंग करेंगे इस टाइप से। इसी में आपको बिरयानी वगैरह बनानी है, पुलाव के लिए कटिंग करना, गाजर को इस टाइप से गाजर को टुकड़ों में काट लेंगे आप, जो भी कटिंग करना फर्स्ट क्लास कटिंग करेंगे, न रोना पड़ेगा, जो मर्जी काटिए। अनब्रेकेबल है, होम वॉशेबल है, जैसे मर्जी यूज़ करिए, यूजफुल आइटम होगा जी। ये सर एक चिप्स कटर है, बहुत बढ़िया, अनब्रेकेबल चिप्स काटिए। सलाद, गाजर, मूली, कोई भी चिप्स बनाते हैं, सिंपल चिप्स निकालना, स्टेप से सिंपल चिप्स निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, लेस बनाएंगे, क्रॉस करके निकालेंगे तो जाली वाला चिप्स निकालेंगे। लेफ्ट राइट करेंगे स्टेप से, जाली वाला चिप्स भी निकालेंगे, वेरी फाइन दिस वन। जाली वाले चिप्स भी निकालेंगे, वेरी फाइन कटिंग करेंगे। इसी में जैसे आपको ग्रेटिंग करनी है, गाजर का हलवा बनाना, मूली का परोठा बनाना, लौकी का रायता बनाना, यहाँ से कद्दूकस करना है, घियाकस करना है, गाजर का हलवा बनाना है, मूली का परोठा बनाना, लौकी का रायता बनाना, जो भी आपको ग्रेट करना है तो ग्रेट करेंगे, वेरी फाइन दिस वन ग्रेटिंग करेंगे आप। गाजर, मूली, कोई भी ग्रेट कर सकते हैं। इसी में जैसे कैबेज काटते, चने का साग कैबेज काटते, चाइनीज के लिए, नूडल्स के लिए, मैगी के लिए, भरगत के लिए, सैलड के लिए कैबेज काटते, पादर की मिर्ची ले आएंगे, वो भी इतना बढ़िया कैबेज नहीं है, चौमिक वगैरह बनाने के लिए यहाँ से कटिंग करेंगे, कैबेज, चाइनीज, नूडल्स, मैगी के लिए। इसी में आपको कैबेज काटना परोठे के लिए, रायते के लिए, मोमोस वगैरह बनाने के लिए, परोठे के लिए, रायते के लिए, मोमोस के लिए वरी करना है, आटा गूंदने में टाइम लगा, परोठे के लिए चॉप करने में टाइम लगा, वेरी फाइन चॉप करेंगे दिस वन। इसी में काटना हरे पत्ते, कोई भी साग काटना, जैसे चने का साग काटना है, मेथी का साग काटना है, कैसेट को अप करेंगे मोटा हो जाएगा, डाउन करेंगे नीचे, यहाँ से हरे पत्ते कोई भी साग काटिए, चने का, मेथी का, पालक का, सरसों का, कोई भी साग काटेंगे आप। सलाद काटते गाजर, मूली, ककड़ी, खीरा, कोई भी सलाद काटनी होती है सलाद भी काटेंगे। गोल गोल सलाद कोई भी काट सकते हैं, आलू, प्याज, टमाटर, गाजर, मूली, जो भी स्लाइस करना फर्स्ट क्लास स्लाइस करेंगे दिस वन, स्लाइस के लिए वेस्ट होगा। इसी में जैसे टमाटो की सैलड काटनी है, कैसेट को निकालेंगे, कोई भी सब्जियां मोटी कटिंग करनी होती है, टमाटो की सैलड काटनी है, कितना भी गोला हुआ टमाटर होगा, सॉफ्ट एंड हार्ड,
जो भी स्लाइस करना फर्स्ट स्लाइस स्लाइस करेंगे दिस वन, स्टेप से कोई भी स्लाइस कर सकते हैं, वेरीफाई दिस वन स्लाइस के लिए। इसी में जैसे आपको पिज्जा काटना, ब्रेड काटना, मटर काटना, सेकंड सिक्स नंबर पड़ा होता है, इसमें पिज्जा भी काट सकते हैं, ब्रेड भी काट सकते हैं, मटर भी काट सकते हैं, जैसे मर्जी आप कटिंग करेंगे फर्स्ट क्लास। ये भी अनब्रेकेबल होगा, कहीं भी गिर जाएगा, ना टूटेगा, ना फटेगा, ना सड़ेगा, ना गलेगा, लॉन्ग लाइफ होगा, अनब्रेकेबल है। सेफ्टी गार्ड साथ में होता है, इससे हाथ नहीं कटता, छोटा से छोटा पीस होता है पूरा एंड तक काटेगा, ये हाथ नहीं कटेगा, पीस नहीं बचेगा, एंड तक काटेगा। इसमें जैसे बीन्स काटो, भिंडी काटो, सब्जियां छिलनी है, गाजर है, मूली है, रिवर्सिबल पीलर होता है, दोनों तरफ चलता है ये। सैलेड काटनी है, गाजर, मूली, ककड़ी, कोई भी सैलेड काटनी होती है, कोई भी सैलेड काट सकते हैं इसमें आप। जैसे भिंडी काटनी है, भिंडी काटेंगे, मिर्ची काटेंगे, मिर्ची काटेंगे, बीन्स है, भिंडी है, मिर्ची है, फलियाँ, कुछ भी काट सकते हैं, ए टू जेड वर्किंग करता है ये। जो भी आपको धनिया पुदीना काटना है वो भी काटेंगे। चौथा आइटम आपका सेट में ये होगा आपका जो जूसर है, ये है मिनी जूसर, संतरा मौसमी हाफ करके रखेंगे, स्टेप से प्रेस करेंगे, साफ जूस आएगा, छाना नहीं पड़ेगा। नींबू, संतरा, मौसमी, किन्नू, माल्टा, किसी भी फल का जूस निकालेंगे, फाइन जूस निकालता है, फिल्टर हुआ जूस आएगा, छाना नहीं पड़ेगा। नींबू काटना है, नींबू हाथ से निचोड़ते हैं, सीड से ज़्यादा सीड सब्जी में गिर जाता है, स्टेप से डालेंगे नींबू, स्टेप से प्रेस करेंगे, स्प्रे करना, जैसे दाल में, साग में, सब्जी में, शिकंजी में, कहीं भी आप यूज़ करेंगे, जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं, ये फिल्टर हुआ जूस आएगा, छाना नहीं पड़ेगा आपको। अनब्रेकेबल ये भी है, अनब्रेकेबल है, होम पॉसिबल है, कहीं भी गिर जाएगा, ना टूटेगा, ना फटेगा, ना सड़ेगा, ना गलेगा, ये लॉन्ग लाइफ है ये किट। ये कॉम्बो में अगर लेते हैं, ये 1576 का होता है, लेस करके 700 रुपए का पड़ेगा जी। अभी आपने हमारे चार प्रोडक्ट का डेमो देखा, इन सब प्रोडक्ट का जो प्राइस है 1500-1550 रुपए के करीब बैठता है। हम आपको इसको 50% डिस्काउंट से भी ज़्यादा का, हम आपको 700 रुपए का इस प्राइस पे देंगे। घर बैठे आप ये हमारे प्रोडक्ट, चारों प्रोडक्ट घर बैठे मंगा सकते हैं। ये हमारा अपना खुद का प्रोडक्ट है, इसलिए हम इसको इतने डिस्काउंट रेट पे दे रहे हैं। और ये अनब्रेकेबल ABS प्लास्टिक के अंदर बना हुआ है। आपको अगर होलसेल में लेना है या कोई एग्जीबिशन करने के लिए लेना है तो इसका बल्क का जो प्राइस होगा वो अलग से होगा। और घर बैठे हुए हमारे व्हाट्सएप पे आप कॉल करके या मैसेज करके आप हमारे से मंगा सकते हैं, जिसका जो भेजने का चार्ज होगा वो अलग से होगा।